आपसे कसम खा ली, मैंने बोला नेक्स्ट मिस्टर सीतापुर वैभव राज गुप्ता ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लवली. तो एक्टर्स में ना बहुत इजीली आ जाता है, जैसे मुझे जब फिल्म फेयर मिला, जब गुल्लक हिट हुआ, आई वाज लाइक ब्रो आई अराइव्ड। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, एक्टिंग तो है ही यार, वो तो ठीक है, आप उससे सेटिस्फाई होते हो, आप हर चीज़ उसी से कनेक्ट करते हो। जब तक एक्टिंग नहीं करूँगा, जब तक लोग मेरा काम नहीं, नहीं यार, इससे बड़ी चीज़ है आप अपने पे ध्यान दो, आप अपने मेंटल हेल्थ को संभाल के रखो। एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे मुझे बिल्कुल बाहर जाना पसंद नहीं है, मुझे लोगों की शक्लें देखनी अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ से निकालो, और मैं निकल जाता हूँ। मतलब अपना झोला बैग पैक करो, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, आपके आपको सीखना है क्या, और हमेशा ऑप्शन रहा है सीखने का। आज अगर आप ये बोलोगे यार बट मैं तो क्या करूँ, ऑडिशन का ही वेट कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है भाई अगर तुम वेट करोगे तो तुम वेट ही करते रहोगे। करेक्ट. वेलकम प्रभो. थैंक यू सर। पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि मैं काम से आपके घर पे आया हूँ. जो हम ये बात कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और वैसे तो फासला 20 मीटर का भी नहीं है घरों के हाँ बीच में. माँ आप बिल्कुल मतलब सामने ही रहते। शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि अगर हुएवर फॉलोज यू ऑन इंस्टाग्राम, एक चीज़ कॉन्स्टेंटली दिखती है. एक तो कॉफ़ी से प्रेम दिखता है जो आज भी है, मॉर्निंग पेजेस दिखते हैं, और एक हैशटैग दिखता है आर्टिस्ट वे. आर्टिस्ट वे क्या है? एक किताब है जूलिया कैमरॉन ने लिखी है उसको, और ये मेरी लाइफ में मेरे फ्रेंड के थ्रू आई। एक मेरा एक दोस्त है परेश पहुजा, तो वो जब जब मेरा किताबों से ज़्यादा लेन देन नहीं था ना, तो वो ये बहुत यूज़ करता था कि यार एक बुक है आर्टिस्ट वे, आर्टिस्ट वे। और मुझे ना आर्टिस्ट नाम इस वर्ड से बहुत प्यार है हमेशा, जैसे मेरे बाबा भी आर्टिस्ट ही थे, उन्होंने पेंटिंग वेंटिंग बनाई, तो मेरा बचपन से ऐसा आर्टिस्ट को लेके एक बहुत लगाव रहा है यार। ये आर्टिस्ट वे बड़ा प्यारा नाम लग रहा है, देखते हैं क्या है। तो बहरहाल फिर मैंने खरीदी वो बुक, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम लाइक सम डार्क टाइम, सो इट केम इन माई डार्क टाइम्स, बट उसकी वजह से बहुत लाइट आ गई मेरे लाइफ में। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली एक्टर तो बनने आए थे, वो बन गए, बॉम्बे आना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, बट एज एन एक्टर आप सर्वाइव कैसे करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, जब आपके पास कुछ होता नहीं है, जब आपको पता नहीं है कैसे करना है। तो उस बुक में ना बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आर्टिस्ट क्या है, मतलब एक तो आप वैभव हो और करेक्ट आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, करेक्ट. बट उसका ध्यान कैसे रखो। तो वो बुक ना वो बताती है कि आपको इस आर्टिस्ट का ध्यान कैसे रखना है। इट टेल्स यू अबाउट आर्टिस्ट इज लाइक योर किड, जो छोटा बच्चा नहीं होता है, तो बच्चा क्या अंदर का होता है, छोटा बच्चा. अंदर का छोटा बच्चा ही होता है। तो उसका बेसिकली जब उसको भूख लगती है तो बच्चे क्या करते हैं, भूख लगती है तो रोते हैं, वैसे आर्टिस्ट है जब उसको काम नहीं मिलता है, जब उसकी क्रिएटिविटी नहीं फुलफिल होती तो वो रोने लगता है, आप इनसिक्योर हो जाते हो, आप डेस्परेट हो जाते हो, आप थोड़ा नेगेटिव जोन में चले जाते हो, तो उसको कैसे संभालोगे। सो बच्चे को, बच्चा जब रोता है तो आप या तो दूध पिलाते हो या उसको घुमाने लेके जाते हो। तो ऐसे ही आर्टिस्ट है यार, जब आपका आर्टिस्ट रो रहा है, जब आपका आर्टिस्ट क्रेव कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आप हर चीज भूल के फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट वे जो टूल्स देता है आपको एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बींग समझने के लिए, वो टूल्स क्या क्या हैं, और हाउ डू यू अप्लाई दैट इन योर लाइफ, और हाउ कैन एनी वन गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स कैन अप्लाई? मुझे जो हिट किया सबसे ज्यादा, एक तो मॉर्निंग पेजेस, क्या व्हिच होते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग पेजेस? पेजेस इज लाइक यू हैव टू राइट 3 पेजेस एवरी डे, द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर वेकिंग अप, जस्ट राइट 3 पेजेस वॉट एवर यू फील लाइक विदाउट जजिंग योर थाट्स योर आइडियाज, जस्ट राइट इट डाउन। आई रिमेम्बर पहला दिन जब ये था, जब ये शुरू हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया मैं कैसे लिखूँ 3 पेजेस। मैंने लिखा वैभव राज गुप्ता, हाई माई नेम इज, जैसे एक्टर प्रोफाइल्स हाँ देते हाँ अपनी, आई एम वैभव राज गुप्ता फ्रॉम दिस दिस दिस, और 5 लाइन के बाद ख़त्म हो गया मेरा सब कुछ। ओके लिख फिर किया मैंने, मैंने बोला अब क्या लिखूँ, फिर मैं बैठा, फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने मांगना शुरू किया, मैं एक्टर बनने आया था, अभी तक मेरा कुछ नहीं हो रहा है, पैसा चाहिए मुझे और बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, सो आई स्टार्टेड बेगिंग। तो मैंने इसको बहुत लंबा टाइम दिया, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार इट्स नॉट अबाउट आस्किंग फॉर थिंग्स, इट्स अबाउट यू टॉकिंग, यू बींग जस्ट जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट इफ यू प्रैक्टिस दिस टू जस्ट टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इन योर लाइफ, बी ऑथेंटिक, सो वही मैं लिखता हूँ। सो अब आफ्टर 5 ईयर्स आई हैव बीन राइटिंग अबाउट एवरी लिटिल माइन्यूट डिटेल्स अबाउट एवरी थाट,
एंड इट मेक्स सो मच सेंस एंड इट गिव्स मी लाइक वो खाली कर देता है मेरा, इट्स लाइक अ थेरेपी. तो ये मॉर्निंग पेजेस में फिर मैंने लिखना शुरू किया कि अच्छा मैं क्या फील करता हूँ अपने बारे में, मैं दूसरों से कैसे बिहेव करता हूँ, अच्छा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला या मेरा एटीट्यूड कैसा था. तो मैं हर चीज़ चेक रखता हूँ ताकि वो जमीन से ना डेढ़ इंच ऊपर ना उठूँ. निर्मल वर्मा की किताब है. पर आपको लगता है कि किसी एक पॉइंट पे डेढ़ इंच ऊपर आप चल रहे थे? आते हैं पॉइंट्स, हमेशा आते हैं. जैसे क्या होता है, मतलब जब कंसिडरिंग द फेम ऑफ गुल्लक और उसके बाद हर जगह, आप अभी बाली गए थे वहाँ भी लोग पहचान रहे हैं, बाहर तो लोग पहचानते ही हैं, लखनऊ में यू आर शूटिंग फॉर अ शो और उसके बाद तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ पे हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ आ जा रहा है उसी जगह पे फोटो खिंचवाने कि कमर का दर्द तो ठीक है पहले फोटो दे दो. मतलब वो तो बहुत तो उस टाइम पे कितना टफ है कि जमीन पे ही पैर रख के चलना या डेढ़ इंच ऊपर आना, तो एक ऑब्वियस ही बात है ना. एक्टर्स में ना बहुत इजीली आ जाता है. जैसे मुझे जब फिल्म फेयर मिला, गुल्लक हिट हुआ, आई वाज लाइक ब्रो आई हैव अराइव्ड, या एंड आई स्टार्टेड सेइंग दैट आई नीड सम ब्रेक यार, अभी ना थोड़ा मुझे थोड़ा चिल करना है, अभी मुझे ये करना है, फलाना करना है. बट देन गॉड गेव मी दिस झटका ऑफ, आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग, देन आई फेल डाउन, आई ब्रोक माय शोल्डर, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, लाइफ ही चेंज हो गई. सो जब मैं यहाँ आया उस शूट से वापस, तो मुझे लगा यार अच्छा ये सब चीजें तो मैं बोल रहा था. आप जो बोलते हो बेसिकली अब वो हो ही जाता है जो आप सोच रहे होते हैं ना, यू आर योर थॉट्स राइट, थॉट्स बिकम थिंग्स. इतना और उस समय मुझे लगा नहीं यार ये तो मैं जमीन से ऊपर उठा था, ये सब सेम रखने के लिए ना, मतलब अब डेढ़ इंच ऊपर ना उठो जमीन से. मुझे ऐसा लगता है कि एक तो फ्रेंडशिप, आपका सर्कल बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे लोग आपको रियलिटी चेक देते रहे आपका, और वो तभी होगा जब आप रेडी होंगे अपने नेगेटिव पॉइंट सुनने के लिए. क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल स्पेस हो जाता है जब आपकी एक्टिंग की लोग डिटेल में बात करने लगते हैं, एंड दे वांट टू से सो मेनी थिंग्स बट यू आर नॉट रेडी टू टेक देम. सो दे विल ऑलवेज से इज ए गुड वर्क, बट उस गुड वर्क और बात करने के बीच में बहुत कुछ है जो वो बोल ही नहीं पाते हैं, और वहीं पे ग्रोथ है. तो मैंने अपने मेरे जो दोस्त यार हैं, इंटरेस्टिंग, मेरा जो भाई है सबसे अहम हिस्सा मेरी लाइफ का, मेरा अमृत, अमृत, अमृत जिन्होंने गुल्लक फर्स्ट सीजन डायरेक्ट भी किया था, डायरेक्ट किया है. तो अमृत हो गई, देवयानी हो गई, और संदीप, सौरभ, राघव, ये 5-6-7 दोस्त हैं मेरे जो मुझे ना रियलिटी चेक देते हैं, स्पेशली अमृत. और ऑब्वियसली ये बहुत नेचुरली आया था मेरे उसमें, फिल्म फेयर मिल गया यार. फिल्म फेयर एक गांव के लड़के, सीतापुर के लड़के को, मतलब जिसको कुछ नहीं था उसको, ऑब्वियसली मैंने मेहनत की. शाहरुख खान को मिलता था यार फिल्म फेयर, वही. बट टचवुड यार, आई एम वेरी लकी विद ऑल दीज पीपल, विद द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई हैव, द काइंड ऑफ थिंग्स आई डू मेक्स मी सेन, एंड आई रियली वॉन्ट टू सेव माई इनोसेंस, बिकॉज लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इनोसेंस. अगर आपकी इनोसेंस चली गई ना, तो ना आप अच्छे एक्टर, ना आप अच्छे इंसान, मतलब बहुत कुछ चला जाएगा यार. बड़े स्केल पे देखो ना, मतलब लाइफ को, एक्टिंग तो बहुत छोटी, मतलब पहले, और ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन कुछ सालों पहले हुआ कि पहले क्या था, क्योंकि हम लोग यहाँ आए कुछ प्रूव करने के लिए, अपना फैमिली छोड़ के. हम भी यार अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, हमारे पास भी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है. कुमार विश्वास का एक शेर है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं कि उसमें वो, उसकी लास्ट लाइन ऐसी कुछ है कि तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं. वही मैं बोल रहा हूँ, सही में. कि यहाँ 2 BHK में रहने के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, हमारे पास खेत खलिहान सब छोड़ आए हैं, मतलब क्या नहीं था. और सबसे बड़ी चीज जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो है फैमिली, वो कैसे वापस आएगा. पर ये छोड़ते हुए लगा था क्या, या ये नहीं लगा था, मुझे निकलना था. क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं बिलोंग ही नहीं करता हूँ इस शहर से. और मेरा कोई दोस्त यार था ही नहीं, सीतापुर ना, सीतापुर, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था. तो मुझे लगा यार अंदर कुछ कचोट रहा है. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल, फेमस. फेम से मैं बहुत लाइक, मुझे हैंडसम लोग बहुत पसंद थे. तो मेरे सारे दोस्त, जो थोड़े बहुत दोस्त, वो सारे भैया लोग थे. हाँ. जो मुझसे एज में काफी बड़े थे, जो जिम में जाके बॉडी बॉडी बनाते थे, और जो गुड लुकिंग लोग थे, जो मतलब अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा स्मेल करते थे, गाड़ियां थी उनके पास, बाइक वाइक थी. तो मैं हमेशा उधर ही, मेरा वो रहता था कि यार मेरे पास हीरो की साइकिल है, इनके पास यार कावासाकी लेके घूम रहे हैं, पल्सर लेके घूम रहे हैं यार ये लोग, ये कब आएगी लाइफ में. अब घर वालों का इतना पैसा था नहीं, ना हिम्मत थी मांगने की. तो मैंने अपना ये कर लिया कि मेरे को ना गरीबी में नहीं रहना. कभी चुरा लिया बाबा बाबा के उससे, कभी सेविंग
मेरे पास हमेशा पैसा रखता है. ओके. मैं ट्यूशन हमेशा गुल्लक रही है. हमेशा गुल्लक. ऑफ कोर्स गुल्लक का एक बहुत बड़ा वो है, कहानी है मेरे पास गुल्लक की. ओके. कि गुल्लक मेरी लाइफ में से आने से पहले गुल्लक का क्या होता. बट मेरे पास पैसा रहा क्योंकि मुझे अपने शौक, मेरा शौक क्या था, थम्स अप पीने का था मेरे को. अब तब तो इतना भी नहीं मिलता था, यही सब तो छोटी वो छोटी वाली 7 रुपए वाली या 10 रुपए वाली. 7 रुपए वाली. 7 रुपए वाली. 7 रुपए वाली. मतलब वही था कि मुझे शाम को, जैसे अभी आदत होगी ना कॉफी कैफे में जाकर बैठना पीना, तब था 7 रुपए की कोल्ड ड्रिंक चाहिए ही चाहिए. और कभी कभी एक गट में चली जाए तो मजा ही आ जाए. मजा ही आ जाए जो टकार उसके बाद ये. हाँ वो तो. और तब क्या तब एक माउंटेन ड्यू आई थी भाई. वही नशे थे भाई. माउंटेन ड्यू की जो 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 जितनी स्ट्रांग माउंटेन ड्यू मुझे लगी है मुझे तो. और माउंटेन ड्यू को उन्होंने जोड़ा भी ऐसे मर्दानगी के साथ था ना. तो जब आप 14-15 साल का मर्द बनना चाह रहे हो तो आपको लाइक माउंटेन ड्यू सबसे आसान तरीका क्या है, तो माउंटेन ड्यू. और वो भी ना एक स्टाइल भी आती थी, वो छोटी बोतल है ना, बड़ी कूल लगती थी. दांत से खोलो, पट-पट मारो और होती वो नमकीन, और 2 रुपए वाली नमकीन. हाँ. वो हाथ में लो. ये कब हो रहा है, किस साल में हो रहा है ये सब? हो रहा है जब मैं गाँव 11-12-13 की बात है. हीरो बनने का सपना आ चुका है दिमाग में? हीरो बनने का कोई सपना नहीं. इससे पहले हीरो तो बनना पता नहीं था कि हीरो बनना है. इससे पहले मॉडलिंग कॉम्पिटिशन हुआ था. अच्छा. आई टेल यू क्या हुआ था कि मेरे शहर सीतापुर में ना एक महोत्सव होता था, सीतापुर महोत्सव. मुझे आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कोई महोत्सव हो रहा है. मुझे लगा मेला है, जाएंगे मेले. किस चीज का था यार ये? वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव, सीतापुर का महोत्सव मतलब मेला भी, उसमें प्रोग्राम्स भी, सिंगिंग भी, बहुत सारी चीजें उन्होंने वो की थी. आई डिडंट नो दैट मॉडलिंग वाज आल्सो हैपनिंग देयर. जो फर्स्ट ईयर हुआ ना, तो मैं तो ऐसे ही मेला घूमने गया था. मैं देखता हूँ इधर चकदे की टीम आई हुई है स्टेज पे. अच्छा. चकदे की टीम. सो इट वाज बिग. बिग ऐसा जो गाँव में जो मेला दिखाते हैं फिल्मों में वो नहीं है. प्रॉपर बड़ा लाइक वो टीम आई थी. शाहरुख नहीं आए थे, चकदे की कुछ एक्टर्स आए थे. राजू श्रीवास्तव आ चुके हैं वहाँ पे उसी मेले में. सो मैं देखा दूर से स्टेज पे ये लोग हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट फीलिंग. एंड ऑडियंस ना पागल हो रखी है, मतलब बवाल हो रखा है, बिग डील. और मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ऑडियंस इधर बवाल हो रहा है उनके लिए, अभी मेरे को ना उधर जाना है, इधर लाइन क्रॉस करनी है, मुझे जाना है इधर. अब वो थॉट जब से आया ना तब से मैंने बोला. और फिर मॉडलिंग वाला कंपटीशन हो रहा था वहाँ, तो एक लड़का हुआ करते, एक भैया थे, वो सीता मिस्टर सीतापुर बन गया उस साल. बॉडी स्मार्ट लुकिंग गाय. एंड उनका नाम विशाल था. मुझे याद है. हाँ विशाल. उनका न्यूज़ में आया, पेपर्स में आया. और अगर मैं बाल भी कटवा रहा हूँ तो सब बातें उन्हीं की हो रही हैं, तो मेरी ना थोड़ी बोला यार. और मैं छोटा था यार बहुत. मैं था ऐसी 11th में फेल हो गया था मैं. हाँ 11th में था मैं. तो जब ये नेक्स्ट ईयर हुआ ना, मैंने अपने आप से कसम खा ली. मैंने बोला नेक्स्ट मिस्टर सीतापुर वैभव राज गुप्ता ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए. उसके बाद कुछ लखनऊ से कोरियोग्राफर आए थे मॉडलिंग सिखाने के लिए, कुछ लड़कों को जिनको सेलेक्ट किया गया था. उसमें मैं भी था एंड आई वॉज इंजॉइंग बिकॉज उसमें पढ़ाई नहीं थी. उसमें एक कुछ था, मतलब आपको वॉक करना है और लड़के लड़कियां साथ में वॉक कर रहे हैं, तो ये और ये लेवल तो, पे हो गया. आ, ये तो कि भाई मतलब क्या बोल रहे हो, स्कूल में भी नहीं हो रहा है ये सब इतना. हाँ मैं तो हिंदी मीडियम हूँ तो ये सब दर्शन ये सब हुआ नहीं. मैंने बोला अरे ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है. फिर मैंने वो क्रॉस किया, फिर कॉम्पिटिशन हुआ, अपने आप से मैनेज किया सारा कपड़ा वपड़ा ये वो, जीत गया यार मैं. मैं मिस्टर सीतापुर बन गया नेक्स्ट ईयर. कांग्रेचुलेशंस. सारे पेपर्स में, बड़े न्यूज़ में फोटो लगी हुई थी. अब दूसरे बाल कटवाने जा रहे हैं और मेरी बातें हो रही हैं. मेरी बात मुझे सब है मिस्टर सीतापुर जा रहा है, देखो मिस्टर सीतापुर जा रहा. तो ये सब और स्पेशली मोर देन दिस, ये ना मेरे पिताजी के लिए था सर. वो मेरे को ना वो कभी मेरे में बिलीव नहीं किया जब तक मैं वहाँ रहा. वो हमेशा ऐसा बोलते थे पढ़ाई में अच्छा था नहीं. अब पढ़ाई में अगर आप मिडिल क्लास में अच्छे नहीं हो और आपको छोटा भाई बहुत अच्छा है तो आप समझ लो आपकी क्या हालत है. आप हो ही नहीं, मतलब आप जूते साफ करो. हाँ. पापा बोलते थे चलो तुम पायदान हो आप. हाँ, तुम जो सुबह जो जॉब कर दो फटाफट. तो मेरे पापा ऐसा लाइक और छोटे वाले के भी कर देना स्कूल जाना. अरे भाई मैं अपने भाई से बहुत चिढ़ता था यार, उसकी वजह से ना सारा प्यार वही ले जाता था. मम्मी उसको बहुत प्यार करती थी, पापा उसको मतलब पलकों बैठाते थे कि ये पढ़ने में अच्छा है तो यही तो करेगा जो करेगा. जो सिंपल एक पॉलिटिक्स चली आ रही है हमारी, जरूरत मेरे तरफ मेरी तरफ आते थे वो, तो ऐसा उनका हो जाता था कि इनका पुड़िया उड़िया एक दुकान खुलवाए थे वहाँ. ये बैठी हैं उधर पुड़िया उड़िया पुड़िया बिकी हैं. और मुझे लगता था यार
ये आदमी मेरे लिए क्या सोचता है। तो मैं बताऊंगा, जब मैं वहां से बॉम्बे आया ना, तब पहली बार मुझे लगा कि मेरा बाप तो मुझसे बहुत प्यार करता है यार। मतलब, ये कैसे डिस्कवर किया, क्या हो? मतलब व्हाट इज द इंसिडेंट? फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज कमिंग टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हग्ड हिम ऑन आई रिमेम्बर ट्रेन में जाने से पहले, जब ट्रेन हल्की चल रही होती है और वो उस दिन बागमा चल रही थी मेरे घर पे, जिस दिन मुझे बॉम्बे के लिए निकलना था। तो मेरे बाबा, पापा, चाचा, मम्मी, दादी, बुआ, घर का माहौल इतना ऐसा लग रहा था कि मैयत हो गई है। ये बड़ा लड़का जा रहा है जो 17 साल से घर पे था, और मुझे भी तब फील हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब उस दिन मुझे लगा मैं क्या, ये क्या डिसीजन ले लिया। और बॉम्बे में कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। एक अंकल थे जो सहारा इंडिया में पापा के साथ काम करते थे, पापा ने बोला था कि मेरा लड़का आ रहा है, आप उनको पिक कर लेना। और जब मैं आ रहा था ना, तो जैसी ट्रेन चली ना, माई मदर वॉज देयर एट द स्टेशन, माई फादर केम टू ड्रॉप मी, माई अमृत वॉज ऑल्सो देयर। जैसी ट्रेन जा रही थी, मैं पापा ऐसे मुड़ रहे थे, मैं पता नहीं, मैं कभी अपने बाप को हग नहीं किया आज तक। उसके अलावा आई जस्ट आई हग देम, फक, ये तो ये ब्लंडर हो गया भाई। देखो ना यार, हम जहाँ से आते हैं वहाँ बॉम्बे बोलना एक बहुत बड़ा वर्ड है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। और उन्होंने छू तक नहीं लिया। एक अंडरस्टैंडिंग है कि माँ बाप के पास शायद वो शब्द नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, या उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप अगेंस्ट नहीं है आपके। नहीं यार, कभी अगेंस्ट नहीं, यार वेरी सिंपल। या बॉम्बे आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वैभव राजगुप्ता ट्रेन पकड़ कर बॉम्बे आए, यहाँ पे सहारा वाले जो अंकल हैं वो मिले? नहीं मिले ना, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया थाने में ही। जैसे मैंने उनको अंकल को फोन किया सर, यही जानना है मुझे, अंकल मैंने उनको फोन किया, हाँ। अंकल मैं थाने पहुंच गई है मेरी ट्रेन, हाँ। मैं दादर पहुंचने वाला था 1 घंटे में, और इस बंदे ने स्विच ऑफ कर दिया फोन। फिर क्या हुआ? फिर यार बॉम्बे जर्नी, पहला काम जो है वहां तक पहुंचने की जर्नी थोड़ा हम समझेंगे। ट्रेन में उन्होंने ऑफ कर दिया, मैंने मेरे सट्टे पट्टे घूम हो गए, मैंने बोला ये क्या हो गया, फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहे। ये बॉम्बे आने से पहले मैं पापा के साथ एडमिशन कराने के लिए आया था। सो हम एक सीतापुर से ना, हम टिकट बुक कर रहे थे ट्रेन की। अब वहाँ पे तत्काल वाले एक कुछ प्राइवेट वो होते हैं जो तत्काल बुकिंग करते हैं जिनके वहाँ आप जाओ, तो काजी जी थे वहाँ, मैं अपनी टिकट बुक करा था, वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था, वो भी बॉम्बे ही रहता था, सीतापुर का लड़का था, वो भी बुक करा रहा। तो हमारी बात होने लगी पापा और उसकी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको कॉल कर दिया, बोला अभी इनके अलावा मैं इसी को जानता हूँ जो बॉम्बे में है। तो वो हमारे साथ ही आया था लास्ट टाइम, जब एडमिशन कराने आया था ना, तो हमारे साथ ही आया था। मैंने उसको फोन कर दिया, भाई वो आ गया, वो दादर आ गया लेने अपनी बाइक से, उसके पास करिश्मा बाइक थी, पीली पीली बाइक, भी मनपसंद बट मेरे पास बड़े बैग थे, और वो अपने दोस्त को लेके आया था। तो अब मेरी वो देखो, मैं ट्रेन से नहीं जा रहा दादर से मीरा रोड, और मीरा रोड जाना था मुझे। अच्छा। 2000 पापा ने दिए थे रुपए, 900 रुपए की तो खाली कैब ही बुक कराई मैंने। मैंने बोला आप अपने दोस्त को बोल दो मैं बैग रख रहा हूँ, ये आ जाएं कैब से, मैं तुम्हारी बाइक से चलूंगा। अब मेरे दिमाग में यह था कि उसने बोला था घर का रेंट वेंट 5000 है, तो मेरे दिमाग 5000 मतलब भाई लैविश होगा कि जाएंगे तो ऐसा घर होगा ना, 5000 बहुत बड़ी बात थी, नाचेंगे यहाँ से वहां तक। मीरा रोड ले गया, बट यार थैंक्स टू हिम दैट उसने एक चीज नहीं पूछी, और उसने अलाउ किया मुझे रहने के लिए जब तक वो घर खोला, घर खत्म। यार उस मोमेंट पे मुझे लगा मैंने लाइफ में, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये कहाँ आ गया। गुल्लक तक का थोड़ा सा समझेंगे कि यू केम हियर, स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो थिएटर तक पहुँच कैसे हुई? थिएटर में भी घुसना बहुत लोगों को आसान लगता है, लेकिन आसान है नहीं उतना, यू नीड टू नो पीपल। थिएटर में कैसे घुसे और वहाँ से गुल्लक तक का जो सफ़र है? थिएटर में घुसा भी इस लड़के की वजह से। ओके। जब मैं बॉम्बे आया ना, ये लड़का मुझे मिला, ये मुझे पृथ्वी थिएटर ले गया एक दिन चाय पिलाने के लिए। और जब मैं पहली बार गया ना, मैंने के मैनन और थिएटर आर्ट, मतलब एक अलग ही वाइब देखी जो मैंने लाइफ में नहीं देखी। इतना प्यारा कैफे, जब भी मेट में तो चाय वाला सीन करते हैं, वो ही बैठे हुए हैं, और मकरंद देशपांडे बैठे हुए हैं, कोई बांसुरी बजा रहा है, पेड़ निकल रहा है बीच से, उधर ही कैफे। मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या वाइब है ये तो, मतलब, और मैं ओ में था। वो जगह मुझे बहुत पसंद आई, मैंने बोला यहाँ आना है कभी, यहाँ आएंगे हम। वापस गया। अभी इस लड़के का एक फ्रेंड हुआ करता था जो थिएटर करता था। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर था कि मैं यहाँ किसी को पैसे नहीं दूंगा, तो थे नहीं,
दूसरा मुझे था कि मैं पैसे देके कुछ नहीं सीख रहा, क्योंकि पैसे हैं भी नहीं और मेरे को पैसे वो नहीं करने पापा के, जो भी करूँगा इधर उधर करके देखता हूँ। पहले तो पता नहीं था क्या करना, पढ़ना था, ग्रेजुएशन करना था। वो मुझे एक दिन कांदिवली ले गया, बोला मेरा एक दोस्त है थिएटर करता है, तू तब तक ना ऐसे ही कर ले जाके। यार मेरे को नहीं है, कांदिवली कौन जाएगा, ये सब नहीं करना, देखता हूँ। बोला चल तो सही एक बार। तो लकीली मैं चला, वो लेके गया मुझे, और मैं जीन्स वीन्स पहन के ऐसे घुसा, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नोइंग नथिंग अबाउट थिएटर, लाइक ये कांदिवली लेके आया, इधर लेके जाना था ना जू साइड में, बॉम्बे में तो लाइफ ऐसे जाती है, इधर जाती है ना, इधर लेके जा रहा है पीछे। एक तो मैं वैसे ही बहुत पीछे से आ रहा हूँ और वापस नहीं लौटा भाई, वापस नहीं जाना उधर। पर लेके गया, और कांदिवली स्टेशन के ही एरिया में उनका एक हॉल था, मैं घुसा हॉल में, मैं देखता हूँ सारे लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, एक ड्रेस कोड हुआ होता होगा उनका, और मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये लोग क्या उछल कूद कर रहे हैं। अलग ही एनर्जी थी, सब पसीने से लथपथ, सब की आंखों में भूख, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा ये तो बड़ा अलग। तो डायरेक्टर आया जो उनका नाम था वरुण सिन्हा, जो मेरे गुरु हैं, बंगाल के हैं वो, कलकत्ता से हैं, थिएटर वेटर बहुत कर चुके हैं, बहुत थिएटर किया उन्होंने। वो आए, उन्होंने बड़ी स्माइली से पूछा, अच्छा तुम इनके दोस्त हो? कहा हाँ। तो हम एक प्ले कर रहे हैं ऐसा, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, और मेरे दिमाग में चल रहा है यार निकलो यार यहाँ से, ये सब नहीं करना मुझे। उन्होंने बोला ठीक है, अगर करना है तो आप नेक्स्ट वीक से आ जाओ, सोच लो। मेरे दिमाग में था सोचना क्या है, नहीं करना है। एक हफ्ता बीता, उस दिन जाना था, मैं गया नहीं। फ़ोन आया मेरे पास, पता नहीं उन्होंने क्यों मुझे फ़ोन किया, बोले तुम आ रहे हो? मैंने कहा सर नहीं सर, मैं ना थोड़ा सोचता हूँ, मैं बताता हूँ। पता नहीं उनको क्या, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तुम आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने कहा सर यार मेरा मतलब मैं तो सॉरी, मैं ये वो जो भी बहाने बना रहा था, मैं सो रहा हूँ अभी तो नहीं आ सकता। हाँ, और कुछ काम भी नहीं था तब। हाँ। उन्होंने बोला तुम आ जाओ, एक लोअर पहनना ब्लैक और एक टी शर्ट ब्लैक रख लेना, वो लेके आ जाओ बस। मैं आ गया थिएटर में, एंटर किया, उस मोमेंट तक मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं जैसे ही वो दरवाजा खुला, मैं अंदर गया, मैंने टी शर्ट पहनी, ये पहना, सर्कल बनता है, सब हाथ पकड़ के खड़े हो, सब हाथ पकड़ के खड़े हो। उस सर्कल में मैंने जैसे हाथ पकड़ा, आंखें बंद की, वो मोमेंट है, मुझे पता था, मुझे पता चल गया उस मोमेंट पे कि मुझे एक्टर ही बनना है इन 5 मिनट्स। उसके बाद जो मैंने चाटा है सर को भी थिएटर की मतलब मैं मुझे लगा ये क्या हो रहा है, इतना मजा कैसे आ सकता है चाय लाने में। मतलब आई वाज द ऐसा कि सफाई करनी है, चाय लानी है, बैकस्टेज वाला, बैकस्टेज, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। ये होता है ना, जब आप किसी इंसान को पता होता है, क्लैरिटी आती है ना, जब एनर्जी किसी भी चीज के लिए, करेक्ट, कि भाई मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, आ गई क्लैरिटी, आप छोड़ दोगे। वो क्लैरिटी आ गई ना कि मुझे एक्टर ही बनना है, फिर मुझे लगता है फिर जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, फिर मैंने फिर तो पागलपन शुरू हुआ लाइफ में। आई थिंक वहाँ से 2009 था, ये से लेके 5 साल तक मैंने उनके साथ, पहला प्ले था मेरा अग्नि बरखा, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट थिएटर, और उन्होंने मुझे एक अच्छा रोल ऑफर किया कर्तानट का, बट हमें पता ही नहीं था स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है। तो मैंने देखा कर्तानट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, अपने अपनी लाइनें पढ़ ली, अपने अपनी लाइनें। तो मैंने देखा कि साला कर्तानट तो खाली 2 ही पन्ने पे फर्स्ट हाफ के। मैंने बोला सर ये तो मतलब ये ठीक है, तो ये पसंद नहीं आ रहा तो भाई कर लो, एक नित्यलाई का भाई, भाई के 3 थे, भाई जैसे भाई किया, उसमें बहुत सारी लाइन थी। अच्छा, तो मैंने बोला भाई करूँगा। बाद में पता चला जब दूसरा एक्टर फाइनलाइज हो गया तो पता चला फर्स्ट हाफ में कर्तानट 2 ही पेज में, सेकेंड हाफ पूरा कर्तानट का ही है। तो पहली बार पहली लर्निंग, सबसे पहली लर्निंग हुई कि भाई रीड द फुल स्क्रिप्ट। पहली बार तो कोई एडवाइस यहाँ काम नहीं करती है, बहुत बढ़िया, कोई एडवाइस काम नहीं करती। ये ऐसा शहर है ना, और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आपके फाकते उड़ जाएंगे। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि अच्छा कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट वो फन भी है, वही फन है। अगर पता चल गया मुझे तो फिर आप मजा क्या है अगर आपको लाइफ में पता ही चल जाए कि अच्छा ये करेंगे तो ये होगा, तो आप बोलोगे अच्छा कर लेंगे, ठीक है। बट ना पता होना सबसे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में भी, काम में भी,
कि ना पत नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रिपरेशन कर सकते हो। यही होगा कि आप अगर आप कहीं लखनऊ वखनऊ या कहीं कहीं से भी हो, थोड़ी बहुत एक्टिंग सीख लोगे, यहाँ आओगे आपको लगेगा ये एक्टिंग पीछे छोड़ो, यहाँ कुछ और हो गया। और करेक्ट. हर 5 साल में यहाँ चीज़ें बदल रही हैं आगे पीछे, और तो यहाँ तो कुछ पता नहीं है। एक ही चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप क्यों करना चाहते हो, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हो। आप इसलिए बनना चाहते हो वेरी कि गुड. आप देख के आ रहे हो किसी को, आप फेम के लिए आ रहे हो, या आप एक्चुअली प्यार करते हो इस कला से। जब तक प्यार नहीं होगा ना, उसको जानने का कोई तरीका है? अगर आपको मैं पता रहता प्रैक्टिकल टर्म्स में है, बात करूं. आपको पता चल जाता है, आपकी नींदें उड़ जाती हैं यार। आप डूबे रहते हो, आप डूब ये सरफेस लेवल पर बहुत लोग कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड जाना चाहते हो कि नहीं, उसके बियॉन्ड दुनिया है, वो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आपके अंदर इतना पागलपन है क्या? आप उतना स्ट्रेच करना चाहते हो अपनी बॉडी को कि नहीं? सिर्फ बॉडी नहीं यार, एक्टर ठीक है, हम आर्मी में नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ हम दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, बट टू बी एन आर्टिस्ट, टू फेस रिजेक्शंस एवरी डे, इट हिट्स यू, आपके अंदर की ना चीज़ें हिला देता है वो। आप क्या रेडी हो अकेले रहने के लिए? आप रिजेक्शन लेने के लिए रेडी हो? आप पेशेंस ग्रो करने के लिए रेडी हो? पेशेंस मतलब ऐसा वैसा पेशेंस नहीं यार, आपको तो पता है किस लेवल का पेशेंस नहीं, चाहिए। पर जो लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए जानना चाहता हूं कि एक बार अगर एक एक्टर से ये बात आती है तो वो बात ज्यादा समझ में आएगी जो लोग भी उन्हें देख रहे हैं मुझे ऐसा लगता कि. है कि यार प्रिपेयर प्रिपेयर करना, मैं नहीं बता सकता अब ये फॉर्मूला है, ये करके आओ। आप आओ, आप झेलो 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 इज द झेलो वर्ड. आके आप। जीन पॉल सात्रे, तो उनका एक कोट था, अगेन मैं पैराफ्रेज ही कर रहा हूँ, उन्होंने इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ. उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी जीत की कहानी को बहुत डिटेल में सुनाया जाने लगे तो वो ऐसा लगता है कि वो हार की कहानी है. तो आपको एक चीज जीतने के लिए इतनी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कि वो कई बार लगता है कि यार भाई इतना इतना मांगता है शहर, इतना मांगता है ये काम. मांगता तो है यार, मुझे लगता है कि कुछ भी इजी नहीं है किसी भी लाइन में भी। तो मुझे आजकल जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है कि यार सोशल मीडिया आ गया है, एवरीबडी इज अ स्टार, एंड व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई डोंट हैव एनी फकिंग प्रॉब्लम विद दीज थिंग्स। बट टू बी एन एक्टर, टू बी एन आर्टिस्ट, वो आपको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। मतलब मुझे लगता है कि यार वो बहुत मेरा बहुत बहुत बड़ी कमाई है यार मेरी। एक चीज बताओ, ये तो हमने ये सब लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सब सुलझी बातें हैं, ये सब हमने कर ली कि ये ऐसा वैसा. लेकिन जो थोड़ा जो डार्क साइड की बात है, जो डार्क साइड, लेट्स स्टार्ट विद जेलेसी. जेलेसी होती है हाँ होती है जलसी क्या? क्यों? क्या है एक ये जेलेसी एक एक्टर के लिए जिसने सर्टेन लेवल पे काम किया हुआ है? किस तरह की जेलेसी आती है, क्या है, एंड हाउ डू यू डील विद इट? हाँ, यहाँ रोकना पड़ा हमें. एक्चुअली ये एपिसोड इतना लंबा हो गया, इतनी बातें हुई, हमने काटने की बहुत कोशिश की, पर हमें लगा कि यार ये फेयर नहीं होगा वैभव के लिए भी और आप लोगों के लिए भी. हमें लगता है आपको पूरी बातचीत सुननी चाहिए. तो जो दूसरा सेक्शन है, जो 25 से 30 मिनट का एक सेक्शन होगा, वो हम दूसरे पार्ट में अपलोड कर रहे हैं नेक्स्ट वीक. तो आप उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है. पर और ये भी मुझे लग रहा है कि आगे से हमारे एपिसोड्स शायद दो पार्ट में ही बनकर आएंगे, क्योंकि हमने भी ये डिस्कवर किया कि बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं. तो आपसे दूर ये बातें क्यों रखी जाए, क्योंकि यारी रोड इज़ फाइनली एन अड्डा फॉर आर्टिस्ट, यू नो. तो अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं, प्रोसेस की बात होती है, क्राफ्ट की बात होती है, अगर दो बातें उसमें से आपके साथ रह जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियोज़ आएंगी आप तक पहुँच जाएंगी. बाकी अभी मुझे सेकेंड पार्ट के एडिट पर भी बैठना है, मैं चलता हूँ. आप लोग ध्यान रखिए और मिलते रहेंगे यारी रोड पर. थैंक यू.